मीडियम साइज थोड़ा बहुत सीखा है खुद अपना कल्चर के बारे में ना कुछ ये था क्योंकि हम लोग जो लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए नमस्कार वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं और आज कानूबरी महाबोधि स्कूल पे ओडिया सर्वेशन कमेटी कानूबरी की ओर से एक लिटरेसी इवेंट रखा है जिसमें कई सारे ऐसे ऐसे राइटिंग और कुछ कुछ स्पीच वगैरह कई सारे प्रोग्राम रखे गए हैं जिसका अभी चल रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं फिर हम बताएंगे। इस बार की जनरल ऑडिट कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं श्री पानवांग मोहम और जनरल सेक्रेटरी है वांगो वांगजन। तो लिटरेसी इवेंट का जो भी इंचार्ज है जिसका जिससे हम आप लोगों से रूबरू कराएंगे तो उससे पहले तो चलिए देखते हैं आज के सारे प्रोग्राम। To speak on the given topic, that is Jajavan Festival. I am currently pursuing my BA first year in Dehradun Government College, Itanagar, and I have passed out my class 12 from St. Mary's High Secondary School, Guwahati, Assam. So to begin with, let me quote a quotation in Wancho which says, Homod Manrai, Ramod Dihale Bangujo, Wanchodu. So the topic is Jajavan Festival, and it is a very profound and prestigious festival of our tribe Wancho, where we go and we prepare ourselves for the cultivation, agriculture, where there is a feasting and merrymaking, and after the festival, we celebrate it in the community level, where we come together to celebrate it, to celebrate the accomplishment of our agriculture, of our cultivation, of our community work done together in this agriculture, in this cultivation, where we cultivate the crops, and the crops are grown, and after the cultivation, we celebrate it, and we bring home, and then we celebrate it with the neighbors, and then we standard of 11th studying in St. Xavier Senior Secondary School. Today my topic is Wancho Oriya Festival. We celebrate Wancho Oriya Festival because it is our culture and we should not forget our culture and we should keep it preserved for the future generation. The Wancho tribe celebrate Oriya between the month of March to April for a period of 6 to 12 days interspersed with prayers, songs and dances. Wancho Prayer School. Good morning everyone, respected judges, and all the people present over here. I'm the standard of class 12. Currently studying in Government Higher Secondary School. Today, my topic is importance about the Wancho Horse. देखो, blue thorny, blue color का thorny है ना, मेखला thorny बोलता है, गाले। ये blue color का coat पहनना है, जो शादी कर चुका है, married women, blue color का। अब याद रखना, blue color का मेखला thorny, गाले जो जो शादी हो गया है वो औरत सब लगाएगा पहनेगा। और एक हो गया ब्लैक कलर का थोनी गार्डन, वो अनमेरिड लेडीज जो शादी नहीं हुआ है वो पहनेगा। प्रोवाइडेड, ध्यान से सुनो, ये फ्यूचर फ्रेंड्स के लिए, प्रोवाइडेड बोर्ड विद डायमंड का डिज़ाइन। ये डायमंड का डिज़ाइन ऐसा होता है ना, वो कोना कोना में होता है, ब्लैक और ब्लू दोनों में ही डायमंड का डिजाइन स्ट्रिप्स होगा। लेकिन वही है कि ब्लू कलर मैरिड के लिए है, औरत के लिए, और ब्लैक कलर है अनमैरिड के लिए जो शादी नहीं हुई। और एक है, मैं एक बार एक औरत को पकड़ा, ये औरत क्या है, औरत ने गाले पहन के जा रही थी,
उसका वो पीछे में ओकोई लगा के था, वो जा रहा है ओकोई हिल रहा है कि कभी होगा नहीं। इसके संदर्भ में सुनो, मैवा मैवा ना ओकोई जान खो, ओकोई जान खो ली चा पा जानठो हाप चौपा लोंखो लोंसो खोहम, कोई कोई चादम खोम बोलता है, कोई कोई मिनसा खोम बोलता है एक्सेट्रा। ये सब थोनी में मेखेला में नहीं बनाना है, क्योंकि पहले जमाने से हम लोग मर्द को एक वेतरन के रूप में माना गया है। पर हेबु यहाँ पर वह अखूले रहते हेराई को हमी भाजो या लका सामन मा अत लका हम मंग आए माह हम मंग आए माह हम आपुंग बा यंत्रों ठम को तो शिको आकाप यंकाई बा चले यंत्रों जमंग गया यंत्रों जब थोड़े जमंग थे बा अखूले ले बांगले है तेरे एबीबी सामन मोयवा और कोई जान को लिक चंग पा यंत्रों हाँ सोंग पा अत लमेंसा कोम या चादम कोम है ये बु मेखला मा मनपात तक पोस्ट ड्रेस पोट मोहन योगु है ये बोमा काम खोए काम लिखोए बोलते ना ब्लू कलर का काम खोए होते ना वोन एट द नी एंड एल्बो बाय दी यखामा ये बम यखामा वह लंग बोलते बा वंग हम वंग चा वंग साचा या अवन के मुट बंचो वालों में नहीं है ये पब्लिक गैदरिंग में आपको सो खा तो और या पाक को खा तो है ये ला को मैं दी आवाज़ वो ये ने वंग हम चांपु ये कुम वंग चा चांपु ये वंग सा चांपु ये वंग सा चा चांपु है ये प्रिजर्व कुरिए में ये थम है में ये मैं दी आवाज़ ये पब्लिक गैदरिंग में और या पाक को मैं जो तो आता आता चा तो तिंग ला आता कप कप का नक चांग ये मैं या प्रिजर्व कुरिंग या पुलिस चांपु आवाज़ का मोड है बमा लिखसन लिखसन मा सिल्वर क्वेंस जानूना पत्ते को दिस कैन बी ओन बाय ओनली वांग चाय वांग चाय दी आसान है बोला नहीं आ कि मैं मॉडर्न मॉडर्न आज मॉडर्न हो गया मॉडर्नाइज हो गया लिखसन भी सब लगाता है। कोई पहले जमाने से वांचो में का सिस्टम तो है वांग हम है वांग है वंशा है वंशु है वंशा है वंशा चाह उसके बाद पंडु है ही है। तो एक सिस्टम से चलता था वंशो एक आइडेंटिटी के साथ। हाँ वो हम लोग एक वल्लम वंशो सा लिविंग विद द वल्लम। वल्लम क्या है वही है सोसाइटी में वंग हम है वंग है वंशा है वंशु है पन है ये सब हम लोग सिस्टम पल्लम के साथ चलने वाला वांचो है। अब हम लोग नेमिंग ऑफ द चैल मनम पो नौसा मंग कोई कोई बस्ती में हम ऐसा भी मिला है हमारा ही स्टूडेंट है उसका नाम हो गया ये सा फॉर एग्जांपल जीतवांग वांग नाम। देखो तो कितना भारी है जीतवांग तो कितना भारी नाम है लेकिन उसका टाइटल हो गया वांग नाम। वाहम का वाहम वाहम का नाम रखता है वंशा वंशा का नाम होता है वंशु वंशु का है वंगपन वंगपन का है वांग वांग नाम क्यों होगा टिंगसन बहुम क्यों होगा। कोई कोई अपना नाम बड़ा बड़ा नाम के साथ जोड़ देता है जबकि अपना टाइटल बहुत छोटा है। वो किम जाबू अमीना सासा हो बांगू कौवा पतिंग हेले अमन किचू थाई लंगू है ओनू उपाय चरण को मिचों चरण को ये मंचो है नहीं कर रहा ना कि पोस्टु के मामन मामन देखो अमी इंग अवरोग नहीं ले वंग हम वंग हम वंग सा मंग सा वंग सू मंग सू पनंग हम मंते मी मन अचों वो बोंग बोंग मन लान ले है या वो बोले मा तो नक्षिप ले मा तो नक्साउ ले जा जा गु अमी ना अमी ना के म ओरिया तो तम चल वंचो वंचो ओरिया देखो लाउडन देखो सच्चा वंचु देखो पुंग जम जु देखो है जमा ओरिया
ओरियन के भान पगन्या ओ न के में साउ सेक्रेट ऑफरिंग फॉर बम्पर हार्वेस्ट यू ओ बाय ओ रम रिंग बु हमें रंग मेले राली टोली ना माइंग रम कोरी रम रम ग्यांग ओ एवं रिया ले ये फैमा रम फैमा लेजर एफएम दी शोध फट ले और या मोंगमई पुल्ला रिया ले पुल्ला रम रिंग तो ना पुल्ला इट इज ओ रिया के में बच्चों वाला अमी पादन हेथम अमी उपादिन तो बच्चों है तू सो कहाँ मा केमा थम बा केमा हित बा के हित मानिंग बा तू कहाँ में रंगमन बन रहे पंडन बंग साइंग चिंग वाला मंते अनि आ है या केथम पादन अमत कोले होवा होवा भाई तेजों है होवा होवा भाई नावली है होवा बंग है होवा पन है होवा बंग सू है होवा बंग साइंग जो मंते के तेजों नावली मंते gathering mah, public mah, tusuk mah. No. Rai-rai. Walam tua. Kem wancho walam mah, lienat. Kem akak thamai. Nacong lu ni hikha. Ani haram ku, ke thoma hikha jenu boleh mensing. Milen aku English mah. Hikha nacong lu. Rai asal ku. हिखारत पोंगे हिखाशिक पोंगे हाथो तो रंग तो अहू जब बन नामा अलग अलग जाको अब मने बुक रहे यंग बुक बा हिखा पावे है बन नो है काको मा हम खा मा टिंग मा नो है लबं बुक है तेरे अहू ले रंग बन बुक सारत कमा सानूरत कमा ओही यो हो ले आई तो पासा कर ले मुंबई बोल ला ला अकों अखा ले जग बुक सारत या एप्पल मा तीन नंबर मा के मा हाथों में दो वाला सारी नंबर में पे जंपा लाए एप्पल मा हाथों तुता तम पंखन का ही को के में नम अलाए बो एप्पल मा अमी डाक ने तो गा अमी ताऊ तो पंसा पन पंसा पन मा पेशा अलाए है या ओली लियना के मा हाथों मा अलाए या आखों का है ये शुभ तो होगा के हैदर लामी के मैं ऐसे में जो है डाउन को ऐसे राइटिंग में जो बा एक्सटेंपो स्पीच में जो मोला मोला आउट ऑफ रेफरेंस लाइन लाइन पाव ले रहा मकाक मा अंदर ये दा ले फ्यूचर रेफरेंस अप अकाक उनको अनाउ ले चला अनाउ हाँ अंदर बा ड्रग्स एडिक मोन को क्या मिया ड्रग एडिक जो जो ड्रग्स पी के खा के घूमता है उसके लिए तीन ही घर है वो हमेशा जाता होगा पहला उसका घर है रिहैबिलिटेशन में जाना है उसका घर रिहैब दूसरा उसका घर है बस जेल और तीसरा उसका घर है अर्ली डेथ मौत है कब्रिस्तान है इसलिए ये तीन घर से बच के रहना है अभी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अभी ओरिया हर सब डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में ऐसा वाला लिटरेरी इवेंट चल रहा है हर ओरिया जहाँ जहाँ में भी ओरिया मना रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गान का कंपटीशन चल रहा है खेलकूद का इवेंट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है अपने आपको बिजी रखना है क्योंकि अपने आपको अगर बिजी रखेगा नहीं तो वही रात का राजा अंधेरा का मालिक बन जाता है रात में निकलेगा दारू पिएगा कानी पिएगा ड्रग्स पिएगा उससे लौट के आना है अभी हमारा सोसाइटी में नौजवान सब वही अपना घर में कुछ भी नहीं है अपना तो ब्रोकन होम्स है लेकिन उसका दोस्त सब ड्रग्स
ड्रग्स पिलाने वाला दोस्त सब, दारू पिलाने वाला दोस्त सब, पॉकेट गरम वाला, अच्छा फैमिली का होता होगा, वो सबसे दोस्ती करके अपना ज़िंदगी बर्बाद करना है, छोड़ना है। और मैं अपील दूसरी बार फिर बार बार अपील कर रहा हूँ, जितना भी ड्रग एडिक्ट है आप लौट के आना है, क्योंकि आपका घर वो तीन वाला घर नहीं है, अपना घर होना है, माँ बाप का साथ जीना है, अपना घर को सजाना है। अपना घर क्या है? अपनी ज़िंदगी है। अगर आप लौट के आएगा तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा, हीलिंग होगा। हीलिंग क्या है, चमत्कार क्या है बोलने से, चमत्कार तुम जिंदा है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है, कोई अद्भुत कोई दूसरा चमत्कार नहीं है। अगर ड्रग्स पीता है वो लौट के आता है, चमत्कार यही है कि वो अभी जिंदा है। तो जिंदा रहना है, सब लौट के आना है, ऐसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना है, कंपटीशन में आना है और अच्छा ज़िंदगी बिताना है। और ये फर्स्ट हम लोग वंचो है, उसके बाद दूसरा है। अभी हमारा वंचो लड़का लड़की सब पैदा होने के बाद बाहर में पढ़ने जाता है, कोई प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में, बड़ा होने के बाद कॉलेज में भी बाहर में रहता है, उसको तो मालूम नहीं होगा, तो कांसिया के बारे में इसको सिखाना पड़ेगा, उसको भी सीखना पड़ेगा कल्चर के बारे में। तो इसीलिए आज आया है, पार्ट लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अभी बताना इसे काफ़ी नॉलेज है बताने के लिए, फिर भी आज जितना बताया उसको अमल करो, वो भी ज़िंदगी में फ्यूचर में काम आएगा। मेसा कौन होता है उस पर अभी देखो कोई माँ बाप नहीं बताया, इसलिए अभी भी करती है। अब पिछला साल भी देखा है, हर समय ओडिया में देखता है, हम लोग यूज जवान लोग लौसों गाँव में मेसा गाँव में कैसा महिला को लगाता है। 25-20 साल का बच्चा है लड़का, में जवान हीरो है, फिर उसका लौसों गाँव में मेसा गाँव में ऐसा महिला लगाया ना, गलती लगा ऐसे करके लगा के वो नाच रहा है। दो प्रकार का है महिला बनाने में, एक ऐसा लगा था ऊपर का ऊपर एक, और एक ऐसा लगा था, ऐसा लगाने वाला कौन है, हम लोग के जवान अभी कूद के संगठन के सब लोगों को और है जीना और मजा करना है जिंदगी में, हम उठ रहा है जवान लोग ऐसा लगा रहे, समझ गया ना। और ऐसा अपना मेसा गो में या नौसो गो में जो लगाएगा वो 60 प्लस वाला ही लगाएगा, तो अपना बेटा बेटी को लगा के भेज दिया होगा, अपना माँ पिता को मालूम नहीं, चाचा को भी मालूम, काका को भी, किसी को मालूम नहीं। तो ये सब मालूम हो के भी कोई डिसीजन करता है तो उसको आप अभी बता देना कि मैं बात हम यूज का ऐसा लगाएगा ऊपर, हम पे जीने के लिए और है और आगे बढ़ेगा, और जो 60 प्लस है कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपना छोटी सी लेक्चर को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार। आई होप आप लोग सभी यहाँ पे जितने भी सुन रहे होंगे, इवन हम भी कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा सर ने इतना अच्छा शेयर किया है टॉपिक्स पर, जो कल्चर के बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ वस्त्र कल्चर। आज जैसे कि हम लोग ने देखा है नॉट ब्लेमिंग, बट जितना भी चेंजेस आया है उन लोग की बहुत तकलीफ हो रहा था वस्त्र कल्चर के बारे बोलने में, बट आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया तो मिला होगा सर का मैसेज का थ्रू, सो उनको बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड क्या एक्सपीरियंस मिला आज आपके यहाँ में आके, हमारा वंचो कल्चर के बारे में बहुत चीज सीखने मिला है हमारा वंगियम सर से, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग को इतना बताया गया नहीं है, तो सो हम लोग ने वंगियम सर से थोड़ा बहुत सीखा है हमारा वंचो कल्चर के बारे में। आपको कुछ आइडिया मिला? बहुत चीज सीखने मिला है इधर में,
जो वांगयम सर ने बताया था हम लोग को पता ही नहीं था ऐसा भी होता है, वो भी हम लोग का क्या बोलते हैं वांचो कल्चर में, तो बहुत चीज सीखने मिला है उसका थ्रू से ना। तो वांगयम सर को थैंक यू सो मच जो उसने वो बताया कि क्या क्या वांचो कल्चर में क्या क्या हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए, वापस हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करेगा फ्यूचर में क्योंकि अवेयरनेस भरा है उसने। थैंक यू। आपको क्या एक्सपीरियंस करने मिला आज यहाँ पे? क्या बहुत कुछ अपना कल्चर के बारे में ना कुछ नया सीखने के लिए मिला, क्योंकि अभी हम लोग यंग जनरेशन है, ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना हम लोग जो। तो आज का सेशन में, आज का प्रोग्राम से हम लोग का जज जो है, हम लोग का वांगयम सर है, उसका थ्रू से अपना वांचो कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज के कार्यक्रम के इंचार्ज है जो लिटरेरी इवेंट के जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, दोनों मेरे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए मैम। मेरा नाम अन्याय बिहम है। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम श्री होलेम पुंगा। हम तो आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा है? आज जो है हम लोग का तीन इवेंट के प्रोग्राम किया जा रहा है। एक तो है हमारा ये एसे राइटिंग और एक्सटेम्पर स्पीच, और एक है हमारा ड्रॉइंग पेंटिंग यानी ट्रेडिशनल अटायर में। तो कितने पार्टिसिपेंट आए मैम? अभी ये पेंट कुल मिला के 50 समथिंग आई हैड ऑल पार्टिसिपेंट्स, और अभी ऐसे और ये एक्सटेम्पो स्पीच हो चुका है, अभी ये पेंटिंग चल रहा है अभी ना फिलहाल। तो क्या लगता है कि आज के जो इवेंट पे ज्यादा पार्टिसिपेंट करना चाहिए था या सफिशिएंट है, क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चा लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये बहुत और भी आना था होगा बच्चा लोग, लेकिन शायद थोड़ा हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट का वजह से थोड़ा कम ही रह गया, लेकिन आई होप करते हैं कि अगला साल नेक्स्ट और यहाँ में और भी पार्टिसिपेंट्स आएगा। अभी स्टार्टिंग है इसके लिए ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन आई होप कि वांचो कल्चर के बारे में भी और जानने के लिए कोशिश करेगा बच्चा लोग, तो इवेंट का थ्रू लिटरेरी ये जो आज का इवेंट है इसका थ्रू बहुत कुछ सीखने भी मिला है मुझे भी, जैसे कि वांगयम सर ने हम लोग को आज वांचो कल्चर के बारे में बहुत कुछ शेयर किया है, तो आई होप कि बच्चा लोग ने भी बहुत कुछ सीखा है आज। तो इसी तरह अगला और यहाँ भी ऐसे ही लिटरेरी इवेंट करते समय और भी अच्छा अच्छा हम लोग सीखने के लिए मिलेगा नया नया, और वंचो कल्चर को ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ाते ले जाएगा। इन पार्टिसिपेंट लोगों के जो विनर होगा जिसका क्या प्राइस है और कब तक दिया जाएगा? इनका जो है प्राइस हम लोग ने रखा है कैश प्राइस विद सर्टिफिकेट। उनका अभी रिजल्ट जो है हमारा ये जजेस को चेक करने दिया जाएगा, इसका बाद में अनाउंस आज नहीं दे पाएगा क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा टाइम दिया जाएगा, जजेस को भी थोड़ा चेकिंग वेकिंग में, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो ज्यादा हो गया अभी ज्यादा, मैंने हम लोग का सोच तो और ज्यादा आना चाहिए था क्योंकि हम लोग जो लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली में हम लोग वांचो क्या बोलते हैं हम लोग वांचो आदमी लोग को और पढ़ाई में आगे जाओ सोच के इवेंट करा रहे हैं हम लोग। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी जो नहीं आए लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे यूथ स्टूडेंट लोगों को? मे बी वो लोग अभी खुद को जैसे कि कंफर्टेबल नहीं सोचा होगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए वो लोग और आगे प्रिपरेशन करा होगा नेक्स्ट टाइम करेगा या फिर कुछ ऐसा सोच के, तो उन लोगों को मैं वही बोलना चाहूंगा आगे जाके अच्छा से प्रिपरेशन करें और नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट जरूर करें। थैंक यू। चलो थैंक यू सर। तो ये था आज और एक कमेटी की ओर से लिटरेरी प्रोग्राम रखे गए कानूनबरी पे, जिसमें जैसे आज के जो कार्यक्रम के जो इंचार्ज ने बताया कि आज कुल मिलाकर टोटल 50 लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, जिसका आज थोड़ी देर बाद अभी चल रहा है ड्राइंग कॉम्पिटिशन, शायद अभी चल रहा है ऐसे राइटिंग भी चल रहा है। बाकी अभी जैसे वांचो कल्चरल सोसाइटी के जो वाइस प्रेसिडेंट श्री वांगयम वांगसु, वो एक जज के तौर पे आए और उन्होंने अपने तरफ से जो वांचो कल्चर के बारे में, जो ट्रेडिशनल अटायर के बारे में सारे डिटेल्स में जो बच्चों को बताए, ये काफ़ी अहम थे, काफ़ी ज़रूरत है इन चीज़ को जानने के लिए। तो जो लोग नहीं आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहे होंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि आगे और अपने ट्रेडिशनल के बारे में सब लोग जाने और पहचाने, और किस प्रकार हमें अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हम प्रिजर्व करना है, कैसे हम अपने कल्चर के आगे चलना है, ये सब आप सभी कोशिश कीजिए। तो ये था आज के लिटरेरी प्रोग्राम, यहाँ तक एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, अब तक इंतजार बने रहें।
रमन हम तोरा मुंबई फोन लले ओनोरेले वान चोके मल्लम रमन हम तोरा मुंबई फोन लले मेगा मुरपु के मरंग बन्यु मा होट को असम तो लंगई मोसी Kim Ram Wanyu Ma Hot Kwa Song